नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बिथरे यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था बार बार कि सर हम स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करें 2019 वाले एग्ज़ाम के, या फिर 2020 का जो एग्ज़ाम जो अभी मार्च में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करें। देखिए, बिल्कुल ऑनेस्ट रिप्लाई दूंगा और एक बड़े भाई की तरह या एक दोस्त की तरह आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए, अभी 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 24 दिसंबर को लास्ट में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और अभी जो ऑफिशियल उन्होंने टेंटेटिव यानी कि टेम्पररी जो वैकेंसीज डाली हैं वो हैं 500 से नीचे, ओवरऑल मिला के CND की मिला के 500 से नीचे। याद रखिएगा, टेंटेटिव हैं, कंफर्म्ड नहीं है। अभी कंफर्म्ड वैकेंसीज आएंगी, जब तक वो कंफर्म्ड ऑफिशियली नहीं कर रहे तब तक आप उनको टेम्पररी मानो। और जब भी ये कंफर्म होंगी 101% वैकेंसीज बढ़ जाएंगी, कम से कम 1000 से 1200 वैकेंसी तो होंगी मेरे अनुसार। अभी कुछ लोगों ने 2000 वैकेंसीज बता रहे हैं, तो भाई कहाँ है नोटिफिकेशन आपके पास में? नहीं है, इसका ये मतलब है शायद वो चाह रहे हैं। देखिए, 2000 वैकेंसी मैं भी चाहता हूँ कि आ जाएं, लेकिन अभी तो नहीं है ना। एक चीज़ होती है आपकी इच्छा, तो आपकी इच्छा से हर चीज़ नहीं चलती। और एक होती है विशफुल थिंकिंग कि हाँ हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि SSC 2000 वैकेंसीज दे दे। यदि 2000 वैकेंसीज SSC ने दे दी तो मैं बोलूँगा सब लोग स्किल टेस्ट के लिए भिड़ जाओ। अगर जिसको भी लग रहा है आपके मार्क्स, आपको लग रहा है कि आपका प्री सिलेक्शन हो जाएगा, प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और वैकेंसीज हैं, यदि 2000 यदि आ जाती हैं, कन्फर्म्ड होके आ जाती हैं, तो मैं हर एक बंदे से कहूँगा अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि आपका सिलेक्शन होने वाला है तो स्किल टेस्ट पे चले जाइए, ठीक है। अगर आप SSC स्टेनोग्राफर के मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप से मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं। वैसे इनकी प्राइस है 280 रुपीज, लेकिन यदि आप मेरा कोड दिव्यांश50 लगाते हैं तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा और आपको 140 में SSC स्टेनोग्राफर के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। काफी अच्छी ऐप है, मैंने इसको यूज किया हुआ है। अब बात करते हैं हम 2020 के एग्जाम की, ठीक है, जो कि होगा अभी मार्च 2021 में होने की बात चल रही है। अभी मैं कमेंट देख रहा था कि किसी ने कमेंट किया था कि सर जो 2019 का जो रिजल्ट है वो अप्रैल में अनाउंस किया गया है, ठीक है। मैंने वीडियो भी डाला था कि 2019 का आपका जो प्री का SSC स्टेनोग्राफर का प्री का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है आपका, वो आएगा अप्रैल में, ठीक है। तो ये बोल रहे थे कि तो मार्च का पोस्टपोन हो जाएगा। देखिए, ऐसे चीज़ें नहीं चलती। जब भी SSC कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो पिछले साल के एग्ज़ाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। उनकी टीम होती है, बहुत बड़ी टीम होती है, और वो अपने हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो कभी भी पिछले साल के एग्ज़ाम से आपका जो करंट एग्ज़ाम चल रहा है इसमें कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्च में तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला। जो आपका 2020 का एग्ज़ाम होना है वो मार्च में तो नहीं होगा, 1-2 महीने डिले अवश्य होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप प्री की तैयारी 2020 वाले एग्ज़ाम की भी कंटिन्यू रखें, ठीक है। और अपना स्किल टेस्ट भी आप कम से कम 1 से 2 घंटे स्किल टेस्ट की भी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि स्किल टेस्ट होने में, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ, आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो अगस्त से पहले नहीं होगा। क्लियरली बोल रहा हूँ, अगस्त से पहले आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो आप स्किल टेस्ट की भी यदि प्रिपरेशन करेंगे तो 6 महीने के अंदर, लिख के दे रहा हूँ, 80 की स्पीड आप लिख सकते हो। मैंने देखा था कमेंट में एक भाई साहब कह रहे थे कि भाई व्यूज बटोर रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं आती डिक्टेशन। तो भाई तुम्हारी नहीं आती होगी, इन सब की आ जाएगी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, यदि आपने 6 महीने अच्छे से तैयारी की स्किल टेस्ट की तो आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आ जाएगी। 100 की बात नहीं कर रहा मैं, 100 यदि आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल पूरी तरह से तल्लीन हो के अगर आप डिक्टेशन लिखोगे तो 10 से 11 महीने में आपकी 100 की आ जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर कोई एक एवरेज इंसान है मेरी तरह तो 1 साल तो लगेगा 100 की डिक्टेशन लिखने में, लेकिन 80 की डिक्टेशन लिख के दे रहा हूँ, 6 महीने के अंदर हो जाएगी, ठीक है।
अब आपको मेरी बात माननी है तो आप मेरी बात मानिएगा। कुछ लोग उन पर उस व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति ने कमेंट किया था कि आप व्यूज बटर रहे हो, उनको लाइक कर रहे थे, तो भाई आप उस व्यक्ति की सुनिएगा, ठीक है। मेरी जो जेन्युइन ऑडियंस है उनको पता है मैं कभी भी आपको गलत बात नहीं करता, ठीक है। सिंपल और सरल भाषा में सारी की सारी बातें बताता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या था, देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि 2020 के एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। अब हम उसकी बात करते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। 2019 के एग्जाम में एक चीज ने सब में आग लगा दी, मतलब कि लंका लगा दी, वो थी रीजनिंग। रीजनिंग काफी ज्यादा लेंदी थी, टफ नहीं बोलूंगा उसको मैं बोलूंगा लेंदी थी। लेंदी का मतलब उसको कम से कम करने के लिए आपको 1.5 घंटा चाहिए था, तब जाके वो पूरी तरह से कंप्लीट होते 50 के 50 क्वेश्चंस, लेकिन बन जाते, ठीक है। लेंदी रीजनिंग थी, समय हमें कम पड़ गया। तो करना क्या है, देखिए एसएससी सीपीओ, ठीक है, 2020 के जो एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनके पीडीएफ, ठीक है, आपको क्यू मैथ पर मिल जाएंगे। एक वेबसाइट है क्यू मैथ, उसमें आपको मिल जाएंगे। आप सीपीओ के एग्जाम करके देखना, रीजनिंग का जैसा सीपीओ के एग्जाम का लेवल था, सेम स्टेनो का लेवल भी वैसे ही आया था। तो अब कहने की बात ये है कि आपको किसी भी चीज़ को कम नहीं आंकना है। इस बार इंग्लिश मॉडरेट आई थी, और लेकिन काफ़ी लोग बोल रहे थे कि बहुत सरल आई थी, सरल आई थी, तो मैं सरल तो नहीं बोलूँगा, मॉडरेट आई हुई थी इंग्लिश। सरल क्यों लग रही थी, मैं उसका कारण बता देता हूँ। देखिए रीजनिंग आई थी बहुत हार्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ थी रीजनिंग। जी के ऑलमोस्ट सभी लोगों की खराबी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी किसी की नहीं होती है कि मतलब कि 40 से ऊपर नंबर हर व्यक्ति ले आए, ठीक है, एवरेज रहता है 20 से 25 मार्क्स का एवरेज रहता है, तो हमें जी के भी टफ लगती है। अब रही इंग्लिश, अब इंग्लिश में यदि 80 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, तो वो हमको कैसी लगने लगेगी, इजी लगने लगेगी ना। तो इंग्लिश मॉडरेट थी, जबकि ये जो दो चीज थी, ठीक है, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट थी, और जबकि रीजनिंग मॉडरेट टू हाई, और जी के भी क्या थी, मॉडरेट टू हाई। इस वजह से आपको इंग्लिश कैसी लग रही थी, ईजी लग रही थी, क्योंकि ये दो चीजें कैसी थी, कठिन थी, ये था सही एनालिसिस, ठीक है। इसलिए आप बोल रहे हो बिल्कुल ईजी, तो बिल्कुल ईजी तो नहीं थी, कि लड्डू तो बटा नहीं था उसके अंदर, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए इंग्लिश का वही किरण पब्लिकेशन पकड़ के रखिए, उसको एमबी पब्लिकेशन पकड़ के रखिए, और इनका रिविजन कीजिए, ठीक है। और जीके का भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जीके की भी किरण पब्लिकेशन को ले लीजिए, उसके सारे क्वेश्चंस आपके पास समय है, 3 से 4 महीने का समय है, सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इतनी स्पीड बूस्ट होगी ना आपको, कि बहुत ज़्यादा स्पीड बूस्ट हो जाएगी आपकी, तो आप रीजनिंग में भी सीधा छक्का मार के आओगे, अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आओगे, चाहे टफ क्यों ना आ जाए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के सीपीयू के एग्जाम पेपर की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो सीपीओ के आए थे, 50-50 नंबर की जो रीजनिंग आई थी, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो उससे आपको और आइडिया लगेगा। और जीके की बात रही, तो जीके को करंट अफेयर्स पकड़ के रखिए, ठीक है। और हालांकि जीके का तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, भाई आ जाती है तो बन जाती है, नहीं तो नहीं बनती, ठीक है। तो लेकिन मैं ये बोलूंगा, जीके पर अति की मेहनत करने से अच्छा आप किस पर मेहनत कीजिए, इंग्लिश पर कीजिए और रीजनिंग पर कीजिए। रीजनिंग को हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्द आपके लिए पेड कोर्स भी लाऊंगा मैं, अनाउंस करूंगा, ठीक है, उसमें रीजनिंग भी रहेगी, और जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सीपीओ के, उनको भी कराया जाएगा, और इंग्लिश मैं आपको करवाता ही हूँ, ठीक है। इंग्लिश में भी जैसे ही आपकी किरण, और किरण के बाद एक और बुक है एसबी बख्शी, जो थोड़ी अच्छे लेवल की होती है, उसके बाद तो आपको इंग्लिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो भी उसमें करवाया जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और स्किल टेस्ट का भी याद रखिएगा, ठीक है, डिक्टेशन में डालता हूँ, हिंदी की डिक्टेशन देख लीजिए और करके देख लीजिए, ठीक है। अगर आप करोगे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जैसी मैं डिक्टेशन बोलता हूँ बिल्कुल एज इट इज, एक एक शब्द अलग करके वहीं एसएससी के स्किल में बोला जाता है, क्योंकि मैं स्किल टेस्ट देकर आया हूँ, मुझे पता है कैसी बोली जाती है, ठीक है। और फॉन्ट की बात रही, तो बार बार फॉन्ट को भी मुझे बताना पड़ रहा है, रेमिंगटन सीबीआई, या तो सीबीआई पे या फिर इनस्क्रिप्ट पर, कृति देव नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।